क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई एम रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिकरेंस रिलेशन फाइव, जो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पाँच ये कहता है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है एन इंटू पी एन माइनस वन माइनस एक्स पी एन, क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हल करता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट क्या है। मेरे पास फार्मूला होता है रिकरेंस रिलेशन फोर, वी नो दैट, फार्मूला क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि एन प्लस वन पी एन इज इक्वल टू जो होता है एन प्लस वन पी एन इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो होता है पी डैश एन प्लस वन, पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी एन, ओके, ये आपका रिकरेंस रिलेशन फोर है, इसका मैं प्रूफ दे चुका था, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसके अंदर क्या कह रहा हूँ कि पुटिंग मैंने रिप्लेस किया एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, क्लियर है ना, क्यों क्वेश्चन के अंदर मेरे को कहीं ना कहीं एन माइनस वन चाहिए, एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इन अबव इक्वेशन, ओके, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने क्या पुट किया एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। चलो भाई देखते हैं, एन की जगह मैंने पुट करा एन माइनस वन और ये प्लस का वन तो था ही मेरे पास, प्लस वन एन की जगह मैंने पुट करा एन माइनस वन बराबर ये हो गया पी डैश, एन की जगह पुट करा मैंने एन माइनस वन और ये प्लस का वन है माइनस एक्स इंटू एन की जगह मैंने पुट करा एन माइनस के वन, ओके, मेरे ख्याल से ये और ये तो कैंसिल आउट हो चुका, आपस में कट चुके, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना बना, ये बना एन इंटू पी एन इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो चुका भाई आपके सामने है, इधर बना मेरे पास कितना पी डैश एन बना, पी डैश एन बना और पी डैश एन के साथ साथ माइनस एक्स पी एन माइनस वन, ओके, एक मिनट, ये डैश है यहाँ पे बेटा, मैंने गलती कर दी थी, ये डैश है माइनस एक्स पी डैश एन माइनस वन, यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास एक फार्मूला और होता है, वी नो दैट, कभी आप ये कहो दिस इज आल्सो नोन एज सेकेंड रिकरेंस रिलेशन, वी नो दैट, मेरे से बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इन फार्मूलों को, रिकरेंस रिलेशन को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फार्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, एन इंटू पी एन इज इक्वल टू, यानी एन पी एन इज इक्वल टू जो होता है कितना होता है भाई, वो होता है एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन, पी डैश एन माइनस वन, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगले पेज पे चलते हैं, दोनों को एक साथ लिखता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ कितना कितना है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके, चलो अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं पहली इक्वेशन क्या है और दूसरी इक्वेशन क्या है। पहली इक्वेशन है एन इंटू पी एन इज इक्वल टू कितना है भाई पी एन माइनस वन इज इक्वल टू है मेरे पास पी डैश एन माइनस एक्स पी डैश एन माइनस वन, एक इक्वेशन तो है मेरी ये, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद जो है मेरी सेकंड इक्वेशन कितनी है भाई एन पी एन, सेकंड इक्वेशन है एन इंटू पी एन, ओके, इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस के वन, क्रिस्टल क्लियर, नो प्रॉब्लम, ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, पहले वाली इक्वेशन को जो है, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर टू है, मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो आप, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो है एन पी एन माइनस वन इज इक्वल टू पी डैश एन माइनस एक्स पी डैश एन माइनस वन, ओके, इसको जैसे मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा ये निकल करके आया एक्स एन पी एन इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर पी डैश एन माइनस एक्स पी डैश
एन माइनस वन, और मैंने इनको क्या कर दिया, घटा दिया, सब्सट्रैक्ट किया मैंने इनको। ओके, सब्सट्रैक्ट करते ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये हो गया प्लस, ये तो दोनों तो कैंसिल आउट। क्लियर? जब दोनों कैंसिल आउट हो चुके भाई, यहां से इनमें से एन कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो बेटा, एन कॉमन ले लिया मैंने। एन कॉमन आने के बाद यहां बचा मेरे पास, एक तो बचा पी एन माइनस वन, पी एन माइनस वन माइनस ये बचा एक्स पी एन, एक्स पी एन ये तो बचा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू, इधर से पी डैश एन कॉमन आ रहा है, क्या बचा ये ऊपर से, तो बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, और ये हो गया पी डैश एन कॉमन निकालने के बाद। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन इज इक्वल टू एन पी एन माइनस वन, भाई लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कर दिया और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, माइनस एक्स पी एन। ओके, और यही मेरे को प्रूफ करना था, यही मेरा रिजल्ट था। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।